तो वहीं लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन पर सीएम योगी नाराज। डीजीपी ओपी सिंह और अपर मुख्य सचिव को सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखने के भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से। तो आमजन के जान माल की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो तो जब्त होगी उपद्रवियों की संपत्ति, और जो नुकसान हुआ है उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क कर उसकी भरपाई की जाएगी, उपद्रवियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कुछ चेहरे चिन्हित भी कर लिए गए हैं। तो विपक्ष भ्रम के हालात पैदा कर रहा है, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो सीएए को लेकर देश भर में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में हिंसक प्रदर्शन के चलते सीएम योगी ने अभी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती जो है निर्देश दिए गए। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है।